आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल 13। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आर्टिकल 13 क्या है और ये कैसे हम सबको इम्पैक्ट करेगा। सो आर्टिकल 13 एक नया कॉपीराइट लॉ है जो EU ने निकाला है, जो यूरोपियन यूनियन ने निकाला है। अब ये जो नया कॉपीराइट लॉ है, इसको समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि पुराना कॉपीराइट लॉ क्या था। पुराना जो कॉपीराइट लॉ जो अभी तक आज तक चलता हुआ आ रहा था वो फेयर यूज़ के बारे में है। फेयर यूज़ में ऐसा है कि अगर आप जो दूसरे का कॉपीराइटेड कंटेंट है उसको आप ट्रांसफॉर्मेटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव वेज मीन्स कि मूवी रिव्यूज़ हो गए, कवर सॉन्ग्स हो गए, आपके रिएक्शन वीडियोज़ हो गए, क्रिटिकल एनालिसिस हो गया, किसी भी चीज़ को एनालाइज करना हो गया, उन सारी तरीक़ों से आप लोग फेयर यूज़ के तहत कॉपीराइटेड कंटेंट का यूज़ कर सकते थे। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि आप लोगों ने उनका कंटेंट इलीगली यूज़ किया है बिना उनकी परमिशन के एंड वो ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क में भी नहीं है, तो वो प्रोडक्शन हाउस या फिर वो क्रिएटर उस होस्टिंग प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट भेज के वो कंटेंट को रिमूव कर देता था। जैसा कि अभी तक आप लोगों को पता है, जैसे यूट्यूब पे लोगों को स्ट्राइक मिलती आ रही है, वो इसीलिए होता था क्योंकि जो प्रोडक्शन हाउस है वो कंप्लेंट करते थे यूट्यूब को। अभी तक ये सीन चल रहा था। सो अब जो नया कॉपीराइट लॉ आया है वो ये कहता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन हाउस की नहीं बल्कि उनकी होनी चाहिए जो इसको होस्ट कर रहा है। जैसे यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे जो प्लेटफॉर्म हैं जो इसको होस्ट कर रहे हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। और अगर इनकी वेबसाइट्स पे ऐसा कॉपीराइटेड कंटेंट को पाया गया तो इन्हें हाई फाइन्स को पे करना पड़ेगा। नाउ ये पास हो गया है बट ये अभी तक लॉ नहीं है। लॉ मे बी ये जनवरी में या 2019 के फर्स्ट मंथ में मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा। ये एक्चुअल में सिर्फ मीम बैन नहीं है, लोग इसको मीम बैन के नाम से प्रमोट कर रहे हैं बट ये एक मीम बैन से थोड़ा ज़्यादा है। इसके अगर ये आ गया तो आप लोगों के मूवी रिव्यूज़ जो होते हैं, जो यूट्यूब पे जो कवर सॉन्ग्स जो होते हैं, जो पैरोडीज जो होती है, जो रिएक्शन वीडियोज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी। और अगर आप लोग मान लीजिए आप लोग EU में नहीं भी रहते हैं तो भी आप लोगों को इससे इफेक्ट पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को याद होगा GDPR आया था इस 2018 के मिडिल में, तो आप लोगों को सारी काफ़ी सारी प्राइवेसी पॉलिसी के अपडेट्स आए होंगे आपके ईमेल्स में। लगातार आप लोगों को ईमेल्स आए होंगे, फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट हो गई, ट्विटर की अपडेट हो गई, इंस्टाग्राम की अपडेट हो गई। तो वो जो प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट हुई थी GDPR की, वो गेस करिए कौन लाया होगा? EU, वो यूरोपियन यूनियन ही लाया था वो, और वो सभी को सारी ही जगह पे इम्प्लीमेंट हो गई थी। वो लाए सिर्फ अपने लिए थे बट वो इम्प्लीमेंट एक्चुअल में पूरे वर्ल्ड के लिए हो गई। अगर आप लोग EU में नहीं भी हैं तो भी आप लोग एक बहुत बड़ी ऑडियंस को मिस कर जाएंगे। और ऐसा भी होता है कि जो चीज़ EU लाती है वो धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ भी उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। आप लोग एक फैक्ट बताता हूँ, यूट्यूब पे एक दिन में, एक मिनट में एक्चुअल में, यूट्यूब में एक मिनट में एक्चुअल में 300 घंटे का वीडियो अपलोड होता है एक मिनट में। और अगर हम लोग इसको एक दिन का कैलकुलेट करें तो अराउंड 50 ईयर्स का कंटेंट वहाँ पे अपलोड होता है एक दिन में सिर्फ। तो अगर आप लोग एक दिन में जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उसको लगातार देखने के लिए बैठे हैं तो 50 ईयर्स लग जाएंगे आप लोगों को देखते हुए। तो एक बात तो पक्की है, इसमें मैनुअल आप लोग नहीं देख सकते, इसमें मैनुअल आप लोग नहीं देख सकते ये कॉपीराइटेड है कि नहीं है। ये काफ़ी इट्स एक्चुअली इम्पॉसिबल टू डू इट। तो अब क्या होगा, अब ये जो फिल्टरिंग सिस्टम है जो यूट्यूब के हैं, जो फेसबुक इंस्टाग्राम के, ये और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे अगर ये लॉ पास हो गया तो। अब मान लीजिए मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया और मेरा जो स्क्रीन का वॉलपेपर था उस टाइम पे वो था एवेंजर्स का वॉलपेपर। सो जो फिल्टरिंग सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट करेगा कि ये कॉपीराइटेड कॉन्टेंट है एंड देन उस वीडियो को वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ जो है ये सभी को इफेक्ट करेगी, नॉट ओनली क्रिएटर्स ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बट अगर मैं दूसरी चीज़ों की बात करूं जैसे ऐप डेवलपर्स हो गए, अमेज़ॉन पे जो सेल करते हैं प्रोडक्ट्स, ब्लॉगर्स हो गए, इससे भी इन्हें भी इम्पैक्ट करेंगे। ये चीज़ अभी श्योर नहीं है कि किस लेवल तक इम्पैक्ट करेंगे बट अगर ये चीज़ बड़े बड़े टेक जायंट्स पे रोल आउट हो गई तो देन इट वोंट टेक मच टाइम कि वो धीरे धीरे इसको रोल डाउन करना शुरू कर दें इंडिविजुअल क्रिएटर्स पर भी। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सो आर्टिकल 13 का जो इंटेंशन है वो ये है कि क्रिएटर्स, जो ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। एंड आई एग्री कि ओरिजिनल क्रिएटर्स को प्रोटेक्ट करा जाना चाहिए, बट क्या आर्टिकल 13 उसका सॉल्यूशन है? आई डोंट थिंक सो कि आर्टिकल 13 उसका सॉल्यूशन है। ये जो मूव है ये काफ़ी गलत डायरेक्शन में है मेरे हिसाब से। ना सिर्फ मेरा ये कहना है बल्कि जितनी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन है, यूट्यूब, गूगल, विकिपीडिया, उनके फाउंडर जो है जिमी वेल्स, उनका भी यही कहना है कि ये जो मूव है ये एक्चुअल में हमारी फ्रीडम को रोक रहे हैं।
ये जो मूव है ये सही नहीं है, ये एक्चुअल में प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि एक्चुअल में हार्म कर रहे हैं जो दूसरे क्रिएटर्स हैं उन्हें। सो इस लॉ से फ़ायदा एक्चुअल में किसको है? एक्चुअल में इस लॉ से फ़ायदा है बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को, बड़े बड़े लेबल हाउस को, उनको फ़ायदा है, या फिर वो क्रिएटर्स जो इस्टेब्लिश हैं इन ग्रुप्स के साथ उन्हें फ़ायदा है। और ईयू को फ़ायदा है क्योंकि ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि इस लॉ के पास ऑन होने के बाद यहाँ से ईयू की जीडीपी ग्रोथ है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा, तो उन्हें फ़ायदा है। बाकी और कोई फ़ायदा तो मेरे को दिख नहीं रहा है इसका, और ना ही मेरे को दिख रहा है कि ओरिजिनल क्रिएटर्स को इतनी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर पाएगा। एंड आई थिंक ये जो मूव है ये थोड़ा रॉन्ग डायरेक्शन में है। सो अब आप लोग क्या कर सकते हैं? यूट्यूब का कहना है कि आप लोग इसके लिए अवेयरनेस फैलाएं। एक तरीका उसके लिए ये है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और एक सेव योर इंटरनेट करके उन्होंने निकाला है हैशटैग, आप लोग उनकी वेबसाइट पे जाएं, आप लोग उसे शेयर करें, और काफ़ी ऑनलाइन पिटीशन है जिसको आप लोग साइन कर सकते हैं। मैं नीचे सबके डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाके उसको साइन कर सकें। और अगर आप लोग ईयू में रहते हैं तो अपने एमईपी तक ये बात पहुँचाएँ एंड देन उन्हें बताएँ कि ये इशू एक्चुअल में क्या है, उन्हें अवेयर करें इसके बारे में। इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको saveyourinternet.eu पे मिल जाएगी। और आप लोग क्या इसके ऊपर ओपिनियंस है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड आई थिंक कि यही एक चांस है आप लोगों के पास स्टैंड लेने का, क्योंकि अगर ये लॉ पास हो गया तो इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप और मैं होंगे।